नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता नए टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो यहाँ पे जो आज हम लोग बात करने वाले हैं, उससे कि आप लोगों ने थंबनेल पे भी देख लिया होगा, आर्मी पब्लिक स्कूल जो AWES सोसाइटी होती है, वहां से एक स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। और ये किस लिए होता है? मेन इसमें ये है कि आपको कोई रेगुलर या वैकेंसी टाइप की नहीं है, एक एक टेस्ट टाइप का है, जैसे जो आर्मी पब्लिक स्कूल में जो भी वैकेंसी आती है रेगुलर बेसिस पे या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ठीक है, तो वहां पे ये स्क्रीनिंग टेस्ट का सर्टिफिकेट आपका लगता है। तो बेसिकली ये है कि अगर आप आर्मी स्कूल्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसीलिए ये आर्मी पब्लिक स्कूल्स AWES सोसाइटी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको पता हो गया होगा, बेसिक चीज ये है इसकी। तो ये एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है, मतलब आपका एक टेस्ट होता है, ठीक है, और ये मैनेज किया जाता है लोकल मिलिट्री अथॉरिटी एंड एफिलेटेड टू द CBSE से ये एफिलेटेड होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। सबसे पहले तो आपका ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट होगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डेट भी अनाउंस कर दी गई है, 23 नवंबर, 24 नवंबर और 25 नवंबर को आपका ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। और ये ऑनलाइन होता है और AWES सोसाइटी के द्वारा ही कंडक्ट भी करवाया जाता है। और इसके बाद आपका स्कोर कार्ड जो है पूरा लाइफ तक वैलिड रहता है, मतलब अगर आपने एक बार स्क्रीन टेस्ट दे दिया और उसमें अभी हम लोग देखेंगे कितने नंबर आपके कम से कम चाहिए होते हैं जिससे कि आपको क्वालिफाई माना जाता है, तो फिर ये लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी होती है, इसको आपको दोबारा से नहीं करना होता है, ठीक है। मतलब एक बार आपका हो जाएगा, उसके बाद आप जब भी आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसी निकलती है तो इस सर्टिफिकेट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जैसे रेगुलर बेसिस पे जो भर्ती निकलती है तो विद इन 2 ईयर्स बीइंग अपॉइंटेड विद इन अ मिनिमम ओवरऑल रो स्कोर ऑफ 50%, मतलब 50% मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो अपॉइंट ये 1 साल के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो भी भर्ती निकलती है तो ये क्या है 40% इसमें आपके मार्क्स होने चाहिए। फॉर कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड इन OST, मतलब ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, एलिजिबिलिटी कंडीशंस एज एप्लीकेबल इन द ईयर ऑफ पासिंग विल अप्लाई, मतलब जो पहले कर चुके हैं उनके लिए भी इसी प्रकार से रहता है। मतलब रेगुलर जो वैकेंसी निकलेंगी वहां पे आपके 50% मार्क्स इस स्कोर कार्ड में होने चाहिए। इसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकलती है, फिक्स टर्म मतलब हो गया कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 1 साल के लिए 2 साल के लिए ऐसे, तो वहां पे आपको 40%, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसकी। इसके बाद है इंटरव्यू की, जो यहाँ पे बात की है तो मैं आपको सिंपल से भाषा में समझाती हूँ। जैसे मान लो आपकी वैकेंसी निकली, ठीक है, वहां पे आपने अप्लाई किया और ये आपका स्कोर कार्ड लगा और इंटरव्यू लेकिन कंडक्ट होगा आपका, मतलब आर्मी स्कूल में ये सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है, बाकी जॉब की कोई गारंटी इस सर्टिफिकेट के बाद ऐसे कुछ नहीं है कि आपको ये सर्टिफिकेट हो गया तो मतलब जॉब लग गए, ऐसे नहीं है, ये एक सर्टिफिकेट ही है। हाँ, लेकिन ये जरूरी होता है क्योंकि जब इंटरव्यू सिलेक्शन बोर्ड आपको कॉल करता है इंटरव्यू के लिए तो ये आपका होना चाहिए आपके पास ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। बाकी सारा प्रोसेस वही होता है, इंटरव्यू होता है, उसके हिसाब से शॉर्ट लिस्टेड होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई ये चीज। अब हम लोग मेन बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और क्राइटेरिया क्या रखा गया है कि जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है तो 50% और प्रोफेशनल डिग्री के लिए आपकी BEd होनी चाहिए, ठीक है। 50% ओवरऑल आपकी क्वालिफिकेशन मांगी जाती है इसमें अप्लाई करने के लिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, और इस टेस्ट के लिए आपका CTET वगैरह नहीं मांगा जाता है, लेकिन जो वैकेंसी निकलती है, जैसे वैकेंसी निकली आर्मी पब्लिक स्कूल में तो वहां पे TET और PRT के लिए जो CTET या TET मांगा जाएगा वो आपका होना चाहिए। उससे इसका कोई ऐसा नहीं है कि ये सर्टिफिकेट आपके पास है और CTET आपके पास नहीं है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो वो तो होना ही चाहिए और ये भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद हम लोग और जो मेन मेन चीजें हैं वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपका एग्जाम 23, 24 और 25 नवंबर को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बाद ऑनलाइन
आपका एग्जाम होगा एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं। इसके सेंटर्स भी आप जैसे अलग अलग एरिया से हैं, दिल्ली से हैं, जयपुर से हैं या फिर अलग कहीं से, तो वहां पे ही आपका सेंटर दे दिया जाता है। यहाँ पे सेंटर की लिस्ट भी दी गई है इसमें, और आपके इसके लिए एडमिट कार्ड दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया फॉर ईच कैटेगरी देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 200 मार्क्स, मतलब 200 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है। और जैसे पीआरटी का 200 का हो गया आपका, ठीक है, अलग अलग पीजीटी का हो गया, टीजीटी का हो गया, इस प्रकार से। और निगेटिव मार्किंग भी होती है, और कितनी होती है, 1/4 निगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे कि आपका जो फाइनल स्कोर कार्ड है, ठीक है, वो जब भी आपका टेस्ट होगा उसके 21 दिन बाद आप उसको स्कोर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट दी गई है यहाँ पे, ये आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ये वेबसाइट दी गई है, यहाँ से आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं एग्जाम के 21 दिन बाद, ठीक है। इसके बाद जो मेन है कि अप्लाई कैसे करना है, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की डेट है 10 सितंबर से 25 अक्टूबर तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ये जो वेबसाइट दी गई है, इसी पोर्टल पे जाके आप अप्लाई करेंगे, और कोई भी वेबसाइट से आप अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये डेट हो गई। इसके बाद क्या क्या चीजें यहाँ पे जरूरी है जब रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, तो एक तो है आपका कि वैलिड आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए। और जैसे कि ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, ईमेल आईडी पे भी ओटीपी भेजा जाएगा, ठीक है। और यू कैन एडिट योर पोस्ट अदर डिटेल एनी टाइम बिफोर सबमिटिंग, मतलब सबमिशन के पहले आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक जो एक सबसे पहला पेज होगा उसको छोड़ के बाकी आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद रजिस्ट्रेशन के टाइम कौन कौन सी आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, और आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जैसे 10th की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक, ये सब चाहिए। और ऑनलाइन ही आपका पेमेंट भी हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो सिंपल जैसे और बाकी के लिए हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं वैसा ही सारा प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद जो आपके एडमिट कार्ड है वो भी आपको ऑनलाइन ही अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, ठीक। और मेन यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीजें दी गई, रजिस्ट्रेशन की डेट है आपकी 10 सितंबर से 25 अक्टूबर तक, तो आज 12 सितंबर है, तो अभी आपके पास काफी टाइम है, लेकिन आप अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे सर्वर वगैरह की दिक्कत आ जाती है। और एडमिट कार्ड आपको 12 नवंबर तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे ऑनलाइन वेबसाइट पे। एग्जाम जैसा कि आपका 23, 24 और 25 अक्टूबर को है, इसके बाद रिजल्ट आपका कब आएगा, फाइनल स्कोर कार्ड विद परसेंटाइल 10 दिसंबर को आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, और बाकी तो ये अलग अलग कोई आपको जैसे क्यूरी है या कुछ है तो ये हेडक्वार्टर्स के नंबर दिए गए हैं, इनसे खैर कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। बाकी ये जैसे क्लस्टर बनाए गए हैं, जैसे कि आर्मी स्कूल कहाँ कहाँ पे है ये आप देख सकते हैं, उनके सबके नाम दिए गए, अलग अलग क्लस्टर्स हैं उनमें कौन कौन से आते हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो ये काफी बड़े एरिया में स्कूल्स होते हैं, और यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए पीजीटी लेवल पे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो पीजीटी लेवल की हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अकाउंटेंसी है, बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बिजनेस स्टडी है, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश है आपका, फाइन आर्ट्स है, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, इंफॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिसेस, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ठीक है। उसे टीजीटी के आपके ये सब्जेक्ट है, एसएसटी है, बेसिक से जो टीजीटी के सब्जेक्ट होते हैं, कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस है, संस्कृत। इसके बाद पीआरटी लेवल पे पीआरटी फिजिकल एजुकेशन और विदाउट फिजिकल एजुकेशन, तो ये आपके सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी दी गई है कि किस किस में होना चाहिए। मेन बेसिकली जैसे आप पीजीटी के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपका यहाँ पे 55% आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और या फिर 3 साल की इंटीग्रेटेड जो बी एड एमएड है वो हो, या फिर आपका 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन एमएएमएससी जो होता है वो कितना 50% मार्क्स का होना चाहिए,
इसके अंदर आपने कोई मास्टर डिग्री की हो 50% मार्क्स से, ठीक है, और जैसे पीजीटी इंग्लिश है तो आपका मास्टर डिग्री इंग्लिश में होना चाहिए। तो बेसिक सारी चीजें हैं कि आपका जिस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन है उसी से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका इसी प्रकार से ये पीजीटी का सारा दिया गया है, कंप्यूटर साइंस का दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। ये टीजीटी की आपकी क्वालिफिकेशन दी गई है, जो आपकी एनवीएस और केवीएस में क्वालिफिकेशन होती है वही सेम डिक्टो यहाँ पे दी गई है, इसका कोई खैर इतना बड़ा वो नहीं है। इसके बाद ये है कि प्राइमरी टीचर्स का ये ब्लूप्रिंट मतलब सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आएगा, बेसिक जीके और करंट अफेयर कितना परसेंटेज आएगा, 5% 10 क्वेश्चन रहेंगे एक सेट में, इस प्रकार से ये पूरा दिया गया है, ठीक है। कितने नेशनल करंट अफेयर कितना रहेगा, इस प्रकार से ये पूरी सारी चीजें दी गई है। आप पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा, टीजीटी का अलग से दिया गया सिलेबस, ठीक है, पीजीटी का भी दिया गया है, और ये आपके सेंटर्स दिए गए हैं कि आप कहाँ कहाँ सेंटर्स फिल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टोटल 40 सेंटर है यहाँ पे, जैसे आप लोग देख सकते हैं ये इन्हीं में आप भर सकते हैं। तो आप जहां से भी बिलोंग करते हैं यहाँ पे ये भर सकते हैं, आगरा अहमदाबाद ये अलग अलग सिटीज दी गई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, बेसिक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो आर्मी पब्लिक स्कूल्स में वैकेंसी निकलती है, वहां पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये इसका स्कोर कार्ड मांगा जाता है, ठीक है, बेसिक सी चीज है। बाकी जॉब की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है इसमें, ऐसा नहीं कि ये आप कर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आपकी जॉब कन्फर्म है, हाँ, लेकिन जैसे आप आर्मी स्कूल में अप्लाई करते हैं तो ये आधार है, जैसे सीटेट मांगा जाता है हर जगह, उस प्रकार से ये केवल आर्मी स्कूल्स के लिए है। तो जो कैंडिडेट भी भरना चाहते हैं तो वो भर सकते हैं, ठीक है। नवंबर में आपका एग्जाम हो जाता है और ये लगभग हर साल ही ये टेस्ट करवाती है AWES। ये पूरी जानकारी थी डिटेल जो आपकी बेसिक मेन चाहिए, उसके अलावा भी कोई आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, और ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाएगा। और इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए लर्न टुगेदर से, धन्यवाद।